नमस्कार, मेरा नाम विष्ट बिमला है। मैं माँ भारती प्राथमिक शाला में अभ्यास करती हूँ। नमस्कार, मैं माँ भारती प्राथमिक शाला में अभ्यास करता विद्यार्थी फंड से ओमकार हूँ। हमारे प्रोजेक्ट का नाम क्लीन बस क्लीन इंडिया है। आज का हमारा मॉडल भी स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत की दिशा में एक कदम है और हम अपने जीवन में विज्ञान और टेक्नोलॉजी के साथ एकीकृत है। फिर भी दिन प्रतिदिन अपने जीवन में हम टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ गए हैं। आज का हमारा मॉडल भी सभी भारतीयों को स्वच्छ टेक्नोलॉजी के तरफ ले जाएगा। आधुनिक स्मार्ट तकनीकें में जैसे GPS, कैमरा, वाईफाई, टेलीविजन तो आपने देखा ही होगा, लेकिन इस बस में हम कूड़े का एक तरीके से निकाल होगा वह देखेंगे। इस स्मार्ट बस के प्रत्येक भारी सीट के पास कचरे को हटाने की व्यवस्था होगी ताकि यात्रियों को बस के अंदर या बस के बाहर कचरा ना फेंकना पड़े। प्रत्येक सीट के पास कूड़ेदान में कूड़ा फेंकने की सीट की व्यवस्था है ताकि यात्रियों को गंदगी या अराजकता का अनुभव नहीं होगा। इसके अलावा भी इस बस में दो वैक्यूम वॉल्व है जिससे डेपो से 500 मीटर की दूरी से शुरू करते समय डेपो के अंदर और डेपो के बाहर का कूड़ा इकट्ठा हो जाएगा। साथ ही इसको बस डेपो बस पहुंचने के पहले चालक इसको चालक उसको डिस्पोज करने की व्यवस्था होगी और ड्राइवर के सीट के पास एक स्विच होगा, वो दबाने से सभी कचरा एक मेगा डस्टबिन में जमा हो जाएगा और बस स्टेशन पहुंचने के बाद मेगा डस्टबिन नीचे से खुल जाएगा और सभी कचरा एक निश्चित स्थान पर डंप किया जाएगा। ऐसा करने से हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का सपना स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का सपना भी सच्चा होगा। वैज्ञानिक कारण, यह उच्च दबाव के क्षेत्र से लेकर के कम दबाव के क्षेत्र तक हवा के प्रवाह पर सिद्धांत का काम करता है। साधन, बैटरी, बस, कार्डबोर्ड, PVC पाइप, सर्किट, स्विच आदि कई चीजें। काम करने के तरीके, यह बस में दो प्लास्टिक की पाइप पसार करने में आई है। उन हर सीट के पास एक वैक्यूम हॉल होगा जिसमें यात्री प्लास्टिक की बोतल, प्लास्टिक रैपर, कागज के टुकड़े जैसा कचरा डाल सकते हैं। यह बस को जब पार्क किया जाएगा तब सारा कचरा पीछे रखे एक डस्टबिन में इकट्ठा हो जाएगा। यह बस डिपो पर पहुंचती है तब आसपास पड़ा हुआ कचरा साफ हो जाता है। यह बस डिपो के अंदर पड़ा हुआ कचरा यह पीछे लगे वैक्यूम हॉल से डस्टबिन के अंदर इकट्ठा हो जाता है। उपयोगिता, कोई भी आदमी या बिना श्रम के या किसी भी प्रकार के प्रयास के बिना अच्छे से कचरे का व्यवस्थापन कर सकता है और ये बस का उपयोग से समय की बचत होगी। और अभी इस मॉडल को प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। ये बस है और अभी ये बस डेपो पर है और ये आसपास पड़ा हुआ कचरा है। जैसे कि ये कचरा मैं बस के अंदर जो हमारी डस्टबिन है मैं उसमें डाल रही हूँ। और आप देख सकते हैं पीछे बाहर पड़ा हुआ कचरा भी ये पीछे लगे वैक्यूम होल से अंदर चला जा रहा है और मैंने जो कचरा अंदर डाला था वो कचरा भी ये डस्टबिन में आ गया है। धन्यवाद।